वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई, सब ठीक हो? घर में ठीक है सारे? COVID-19 के कारण सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे होपफुली। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमने जो पढ़ा था वो था जी, लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे हम वो था डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन में हम ये पढ़ रहे थे क्या पढ़ा था जी, राइट लेफ्ट। राइट क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है जी, लेफ्ट क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सबको पता है, ये पता उनको होगा जिन्होंने पिछला चैप्टर देखा होगा। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले उस लेक्चर को देखिए। अगर जो नए हैं सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पिछले वाला लेक्चर इसने पूरा देखा है, 1 घंटे कुछ मिनट का था। अगर वो देखा है तो आगे आपको ये टाइप 2 समझ आएगी। ये हमने टाइप 1 करी थी, पिछले वाले की थोड़ी रिविजन कर लें ऊपर ऊपर से। ठीक है जी, ये होता है अगर 2R अगर 2L आ जाए तो उसमें क्या रहता है, अपोजिट होती है। अगर 4L 4R आ जाए तो क्या रहता है, सेम होती है। ठीक है जी, डायरेक्शन सेम होती है। यही था इसमें, वही था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण। ठीक है जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वही वाला। ठीक है, वो कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अगर वो डायग्राम क्लियर होगी आपके दिमाग में बैठ गई है तो आपको ज़रूरत नहीं है, बिना पेन के मैंने क्वेश्चन करवाए थे। और बिना पेन के क्वेश्चन उनको समझ आए होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन 9 के 9 किए होंगे। ऐसे किसी को समझ नहीं आएंगे। अगर कोई बोलेगा मैं ये लेक्चर देखूँगा समझ आ जाएगा, पीछे वाला कंसेप्ट देखोगे उसी का। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, ध्यान रखना बच्चों, एक जो एक मेरा टॉपिक होगा उस एक टिक के साथ ही चलूँगा मैं। ये नहीं आपको एक टॉपिक आएगा, अगला उसका अगली टाइप आएगी तो उसकी अलग ट्रिक होगी, अगली टाइप अलग ट्रिक होगी, होगी उसी के साथ मिलती जुलती या उसी के साथ में या उसी के अंदर ही डाली होगी मैंने। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम अब टाइप 2 की तरफ चलें। एक पीछे बच्चे हमने क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन दिया था वो बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, ट्राई की थी। होमवर्क दिया था मैंने इफ 4, वो मैं देखना चाहता था कि आपकी कितनी कॉमन सेंस है, आप कितना उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, कितनी आपको रीजनिंग आती है, कितनी मुझे आपके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा ही आपके 0 से चलूँगा। ठीक है, तो जब 0 से टॉप तक चलेंगे तो बेसिक से ही बात करेंगे। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं पीछे थोड़ा बिजी था पेड कोर्स को लेके, रीजनिंग को, तो उसका शेड्यूल बहुत टाइट था, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे सका इसका लेक्चर। आगे मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा आपको लेक्चर बैक टू बैक आता रहे, आप चिंता नहीं करिए। इसमें यह था इफ़ फोर वर्टिकल लाइंस एंड 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 6, 1,
दो तीन चार पांच छः, ठीक है, यही था। अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी थी? सिक्स हॉरिजेंटल लाइन होगी, वर्टिकल फोर थी। ठीक है जी, इसको बच्चों ने, किसी ने 26 आंसर दिया है कमेंट में, किसी ने 34 दिया है, किसी ने नहीं दिया है, और क्यों ने अच्छा अप्रिशिएट किया है, जिन्होंने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है वो देख लो, जिन्होंने किया वो भी देख लो। ये जी ऐसे ही है, ऐसे ही जी। इसमें मोस्टली क्या होता है, अगर आप ऐसे देखोगे इसको तो ट्राई करोगे तो बोलोगे सर इतनी रेक्टेंगुलर्स आती हैं, पर अगर आप वैसे ट्राई करना शुरू करोगे तो मैं दो कलर लेता हूँ सर, एक रेक्टेंगुलर तो ये होगी, ठीक है, जो आपका तरीका है काम करने का, मैं फिर अपनी ट्रिक बताऊंगा। दूसरी रेक्टेंगुलर ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये, पांचवी ये, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, ऐसे करोगे ना आप, फिर आप इसको रेक्टेंगुलर बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, पूरे को बनाओगे। ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा बनाना चाहोगे तो आपके कहीं 24 बनेंगे, कहीं के 34 बनेंगे, कहीं के 45/44 बनेंगे, तो ये सारा गलत है और आंसर भी गलत होगा। रीजनिंग का एक होता है कि आप टाइम पे, एक बेसिक ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। आपको देखे हैं रीजनिंग क्वेश्चन बहुत, उनकी जो वर्डिंग होती है, जो लेटर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो बंदा देख के सोचता है यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, फिर उसमें हम तुक्का मारते हैं, ये होगा ये होगा, जिसमें मिलता जुलता तो हो जाएगा, तुक्का लग जाएगा, लेकिन हर बार तुक्का नहीं लगता। तो इसीलिए हमें टाइम के साथ परफेक्शन भी चाहिए, और नंबर एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 क्वेश्चन मार्क्स आपके हाथ में होंगे, 20 आएंगे 20, 30 नंबर का आएगा 30, 40 का आएगा 40, जितने भी जिस मार्क्स में आता है जिस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर के लिए, तो वो पूरे फुल मार्क्स आप ले सकते हो। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, मेरे सीखना पड़ेगा, डेली लेक्चर देखने पड़ेंगे, रिपीट करना पड़ेगा, और विदाउट यूजिंग पेन वाला ट्रिक मेरी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, बस आपसे और कुछ नहीं मांग रहा। यहाँ से देखिए सिंपल जो है, जितने भी इसके हॉरिजेंटल हैं और जितने भी इसके हॉरिजेंटल वर्टिकल हैं, इनको प्लस कर दो, 5 4 9 3 12, दो 15, दो 14 1 15, ठीक है, 3 2 5 3 2 5 1 6, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके, 90 रेक्टेंगुलर्स बनेंगे। ये आपका आंसर है, कितने, कैसी लगी ट्रिक? 1 सेकंड में क्वेश्चन आंसर जितनी मर्जी दी हो उसने, चाहे उसने 100 वर्टिकल लाइन्स दी हो, जितनी मर्जी दी हो, ठीक है, क्लियर है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लियर है जी। चलें आगे, आज की, आज का शुरू कर दें, ठीक है जी। चलो आज हम करते हैं टाइप 2, टाइप 2 कर लेते हैं, ये रहा टाइप 2 का आपका क्वेश्चन। आपको जैसे पता है मैं हमेशा आपको एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन होता है उसकी वर्डिंग देता हूँ, एक क्वेश्चन ही लिखवाता हूँ, एक क्वेश्चन ही पूरा ब्रीफ में लिखाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, बाकी क्वेश्चन मैं अपनी ट्रिक के साथ और अपने बिना यूजिंग पेन से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको विद इन सेकेंड में क्वेश्चन निकाल सको, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग अगर टाइम देंगे तो रीजनिंग आपको आसान लगेगी, अगर रीजनिंग आप टाइम नहीं दोगे तो आपको पहाड़ लगेगी। तो मेरे साथ रहोगे और लेक्चर देखोगे, कि को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, देखो भाई आपने ट्रिक से मतलब है, आपने अपने मार्क्स से मतलब है, वॉइस को छोड़ दो,
वॉइस से कोई लेना देना नहीं आपका, आपने मेरे से गाना तो गलवाना नहीं या गाना गवाना मेरे से, या किसी ने मेरे से वो करना है, कोई यहाँ ऑडिशन हो रहा है सिलेक्ट होगा नंबर 1-2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिक देखो, ट्रिक अगर समझ आ रही है वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं आ रही दोबारा देखो, 2-3 बार देखो, नीचे दिए नंबर हैं कॉल करो, पूछो मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ठीक है। तो आज का शुरू करते हैं, बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने। टाइप 1 और 2 में ये अंतर है, देखो पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ए पर्सन टर्न टू हिज, एक ही में सिर्फ एक ही एक फर्स्ट क्वेश्चन का ही लिखवाता हूं हमेशा, ये आपको पता है और आगे आप देख लेना। ए पर्सन टर्न टू हिज राइट, ए पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्टेट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, वॉक्स 50 मीटर अगेन, ही टर्न टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 20 मीटर। इफ नो ही इज मूविंग, इफ नो ही इज मूविंग towards north, then in which direction, then in which direction did he start his walk? Question को समझिए, question को देखिए। A person turned to his right after walking 100 meter straight and walk 50 meter again, he turned to his right। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलने के बाद पुनः वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलने के बाद वह पुनः दाएं की ओर मुड़ता है, ठीक है, यही है। एंड 100 मीटर राइट्स टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर अगेन एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट वॉक 20 मीटर, ठीक है। और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि इफ नो ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज वॉक, यदि अब वो उत्तर की ओर चल रहा है, यदि वह अब उत्तर की ओर चल रहा है, यदि वह अब उत्तर की ओर चल रहा हो तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अच्छा, हम इसको अब देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि टाइप 1 में सर हमने पढ़ा था, हमें पढ़ते थे हम इनिशियल और फाइनल, ये पढ़ते थे ना, इनिशियल हमें नॉन होता था और फाइनल हमें निकालना पड़ता था। टाइप 2 पूरा रेसिप्रोकल है, इनिशियल हमें बिल्कुल नहीं पता, फाइनल हमें पता है, नॉर्थ पता है, वो नॉर्थ की तरफ है, अभी ये हमारे लिए नॉन है और ये हमें निकालना है। अब इसमें क्या होता है, पहले होता था कि वो पर्सन ने शुरू किया चलना, अब वो कहाँ पहुंचा, किस दिशा में, लास्ट में फाइनल में कहाँ होता था। अब उसने बोल दिया फाइनल है नॉर्थ में है, अब मुझे बताओ चलना उसने कहाँ शुरू किया था, किस दिशा से चलना उसने, उसका मुख कहाँ था। तो भाई ये तो गैस हो गया ना, नहीं पता तो नहीं पता, अगर पर्सन हमारा स्टार्ट कहाँ से कर रहा है नहीं पता, हम चाहे इसको ही नॉर्थ मान लें, ठीक है। अभी हम आपकी वो डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन में बनाएंगे, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही है। अभी हम मान लें कि वो पर्सन अभी नॉर्थ में है, चाहे हम इस दिशा में मान लें, चाहे इधर मान लो, या ऐसे मान लो, जैसे मर्जी मान लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पता तो नहीं पता, अभी जो डायरेक्शन जहाँ पहुँचा पता है। अब वो आया कहाँ से है, किस उसका मुख किस तरफ था, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। नॉर्थ इस तरफ होता है, ठीक है जी, नॉर्थ ये हो गया, उसने 100 मीटर चला, फिर उसने राइट लिया, फिर वो 50 मीटर चला, फिर उसने राइट लिया, फिर उसने 100 मीटर चला, फिर उसने लेफ्ट लिया, 20 मीटर चला, यही है ना। अब हमें नहीं पता, आप इस तरह दिशा में ले लो, इससे ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था। ये हमारे लिए अननोन है, ये हमारी नोन है। निकालना हमने है ये कि आदमी आया कहाँ से। अगर आदमी कोई आया है कहीं जगह से चल रहा है, तो उसने उसका जब आया था तो उसकी दिशा किस मुख किस दिशा में था, किस डायरेक्शन में था, वो फेस किस डायरेक्शन में था, उसने मूव करना चलना कहाँ से शुरू किया था, वही निकालना हमने। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल ट्रिक की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर आप वैसे देखोगे तो ये आएगा नॉर्थ में वो पहुंच चुका है। तो जहां से मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि शुरू में पता नहीं बंदा कहां से आया, नहीं पता तो नहीं पता, फिर उसने राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया और पहुंच गया नॉर्थ में। कहां पहुंच गया, नॉर्थ में। मैंने कहा था राइट और लेफ्ट काट दो, क्या कर लो, काट दो। लेकिन पहले वाले में क्या होता था कि हम ये हमारे लिए नॉन होती थी और ये नॉन की होती थी, ये अननोन होती थी, ये निकालनी पड़ती थी। अब ये क्या हो गया, उल्टा, रेसिप्रोकल। इसीलिए जो भी राइट बचेगा चाहे लेफ्ट बचेगा बच्चे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। वो किसके लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर डायरेक्शन क्यों चेंज करनी है, राइट आया तो राइट रखो ना, नहीं रख सकते क्योंकि हमने उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टा चलेंगे, राइट और लेफ्ट रखेंगे, लेफ्ट और राइट रखेंगे। अब हम नॉर्थ का राइट मान लेते हैं, एक बचा, इक्वल टू हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही राइट का मतलब होता है, लेफ्ट का सॉरी, यही मतलब होता है ना। तो यहाँ नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका आंसर आ गया। इंसान ने वेस्ट से चलना शुरू किया था, कहाँ से, योर आंसर इज वेस्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया होपफुली। चलें आगे, अब हम करेंगे बिना पेन के यूज, कोई डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, चलें आगे। अब है इज्जत आपकी, है ना, तो चलो आगे भाई। देखो डरना नहीं, किसी चीज को भी लेके डरना नहीं है, किसी भी चीज, अगर आपने जो मैंने सिखाया है वो चीज आपने से ध्यान में रखनी है, बस कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे लग रहा है बस। ठीक है, कर दें इसको, चलो जी करें। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया होगा, होपफुली सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करें जी। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, अभी मैं सिंपल लिखूंगा, लैंग्वेज वही आती है, सिर्फ हम इसमें पढ़ते क्या है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, जहाँ मूविंग पढ़ते हैं या फेसिंग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है
कुछ भी ले लो यार, अपने से ले लो, कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में वही हमें नहीं पता, राइट लिया, पहले राइट लिया, फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। ठीक है, तो अभी पहुंच गया इंसान नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, अभी इसकी पोजीशन ये है, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये साउथ नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये आपने फटाफट आंसर देना है, चुटकियों में, चुटकियों में आंसर देना है। ठीक है, जिनको समझ आया वो दे सकते हैं, और पीछे वाले लेक्चर जरूर देखिए, अदरवाइज ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी क्या बोला था मैंने, लेफ्ट इसके ऐसे, सॉरी, ये राइट, ये लेफ्ट कैंसिल, ये राइट, ये लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट बचा, और मैंने सिंपली आपको बोला था अगर राइट होगा तो लेफ्ट कर दो, लेफ्ट है तो राइट कर दो। ठीक है, क्लियर है? इसकी का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट से हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से हमने 90 डिग्री चलना है, किसमें, यहां से, ये हो गया 90 डिग्री। योर आंसर इज कि उसने स्टार्ट चलना सीखा था इसमें साउथ ईस्ट में। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चुटकियों में करोगे आप, समझ आया इतना, समझ आया ना? देखो तमाशा फिर आगे वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मजे से, ये वाला नहीं पता, ये वाला कहाँ स्टार्ट किया नहीं पता जी, नहीं पता तो नहीं पता, कर लेंगे पता हमें कौन सा वो है, अभी तो हमें ट्रिक आ गई सर, अब हम थोड़ी छोड़ेंगे। अब सर हमारे दिमाग में ये था कि अगर एक आर, एक लेफ्ट एक राइट आया तो ठीक है, हम सर कर लेंगे, लेकिन सर अगर ये राइट ये लेफ्ट काट दिया, दो आर बच गए, तो इन दोनों क्या करें भाई जी, इक्वल टू एल, इक्वल टू एल, तो सर 2L हो गए। आपने बोला चलो चेंज कर देनी है उसकी पोजीशन, चेंज कर दी सर, लेकिन 2L आ गए, अब क्या कर लें सर, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो भाई जी मैंने जो सिखाया था आपको, 2L क्या होता है, अपोजिट, कहाँ पहुंचा, कहाँ कहाँ पहुंचा था, ये ईस्ट में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ईस्ट में। अब इसकी मूविंग डायरेक्शंस क्या है, ईस्ट में, तो स्टार्ट कहाँ से किया उसने, अपोजिट, ईस्ट का यह है अपोजिट, वेस्ट, योर आंसर इज वेस्ट। ठीक है जी, कौन सा है, एल, एल में क्या आता है, देखो यार इसमें कुछ नहीं होता, आप अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो तभी 90 एल आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तभी ओपोजिट आएगा उसका, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर चलना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो, वेस्ट पहुंच के यहाँ से। ठीक है, 90 और 90 2 हो गए, क्लियर? किसी को कोई डाउट है जी, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन 3 समझ आ गए, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करें, कर लें, चलो कर लेते हैं फिर अगर आप बोलते हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, अगर आपके दिमाग में एक सिद्धत और हो रही है, मैं जानता हूँ चित्रा आपको, ये वाला सर नहीं पता सर, ये आर सारा लेफ्ट आ गया तो बंदा पहुंच गया सर सीधा नॉर्थ में, अब उसने चलना कहाँ शुरू किया सर नहीं पता, सर ये कटेगा तो नहीं, एक भी नहीं कटेगा, तो सर ये मेरे पास एल, आपने जैसे बोला मैंने चेंज कर दिया एल, एल राइट को लेफ्ट में चेंज कर दिया, तो सर ये मेरे पास बच के 4L, तो भाई जी मैंने सिखाया था 4L में सेम रहता है, तो अगर वो नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ में ही रहेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट, कोई शक, कुछ नहीं, क्लियर है? होपफुली सबको समझ आया होगा, इतना आसान है यार, क्यों समझ नहीं आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे पॉज करके देख लो, वीडियो को रोक के देख लो, और ट्राई करके कुछ अपने से क्वेश्चन बनाओ, देखो डायरेक्शन। ठीक है यार, अपने से क्वेश्चन बनाने की क्या बात है,
मैं क्वेश्चन देता हूँ ना आपको होमवर्क, ये लो जल्दी जल्दी राइट डाउन करो, क्वेश्चन निकाल के कमेंट करो जल्दी। अगला टॉपिक T3 Type 3 तब करना जब कमेंट करके, ऐसे नहीं, निकाल के इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन आंसर देने आपने, ठीक है। पता नहीं भाई कहाँ शुरू किया उसने, राइट है, लेफ्ट गया, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, पहुंच गया नॉर्थ में, दो आंसर। शुरू किया पता नहीं, ठीक है, राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और पहुंच गया साउथ, किसमें, साउथ किसमें पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचा दें आपको, यहाँ बोलो यार, यहाँ वहाँ पहुंचा देंगे, ठीक है, साउथ वेस्ट पहुंच गया। बताओ जी जल्द से जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो दो हो भाई आंसर, पहले निकाल लो, देखते कितना समझ, किसको समझ आया, समझ जिसको आया वो आंसर देगा, जिसको नहीं आया वो नहीं देगा, गलत होगा भाई कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा अगर गलत होगा तो, ठीक है। चलें आगे या नहीं, नहीं चलें, रहने दो यार, आपको लग रहा है 5 मिनट हुए सर को पढ़ाते हुए, सर ने तो 3-4 क्वेश्चन करा दिए, 5-6, 25 मिनट हो गए, 26 मिनट, आधा घंटा हो गया, कर रहा हूँ वेट भाई, जल्दी करो कमेंट करो, समझ आया तो, अगर नहीं कमेंट करोगे नेक्स्ट लेक्चर नहीं भेजूंगा मैं, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब मूड होगा तब भेजेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस ही नहीं आता तो फिर हमें मेहनत करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। अगर रिस्पांस अगर समझ आ रही है तो भाई तो आपको आंसर देना चाहिए, बच्चों ने कमेंट किया है अप्रिशिएट करता हूँ, गलत है सही है कोई बात नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं होता, इंसान से गलती होती है, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन पूछे ही आउट ऑफ द वे जाके था, अभी तो मैं बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ Type 2 का, Type 2 के क्वेश्चन है ये, साथ साथ में नोटबुक बना लेना, बाद में नहीं बोलना सर समझ नहीं आया, ठीक है। चले आगे फिर, दो कमेंट, शाबाश, चलो जी अभी हमारे पास आ गई Type 3। Type 1 में हमने पढ़ लिया फाइनल, पता नहीं हमें निकालनी होती थी, फर्स्ट इनिशियल पता होती थी, Type 2 में फाइनल पता है, इनिशियल नहीं पता, निकालनी है, वो समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है, कि दो टाइपों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जो हमारी एस्पायर अड्डा कमेंटमेंट करती है वो उसमें खरा उतरती है, और आपको बोला है कि हम कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन आपके उसके एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइस की जिसको प्रॉब्लम है भाई, देखो कमेंट करने से वॉइस बढ़नी जाएगी, जब नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी है, गॉड गिफ्टेड है, जो आपकी है वो मेरी नहीं सोती, मेरी है वो आपकी नहीं सोती, सिंपल है। तो फोकस करो ट्रिक के ऊपर और चलो निकलो आगे, अपने नंबर डालो अकाउंट में, ठीक है, अपने जेब में नंबर डालो और सिलेक्शन लिस्ट में नंबर लो और सैलरी लो, ठीक है, जो सैलरी लोगे उसमें से मुझे आपने देना नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए आप दे सकते हो ब्लेसिंग्स, एप्रिसिएशन आप दे सकते हो, हमें अपनी सपोर्ट, ब्लेसिंग चाहिए आपकी, कुछ नहीं और हमें क्या दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। और हम जो पेड कोर्स लाया है इसका रीजनिंग का, वो इससे भी अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, और इसमें बच्चे बहुत रजिस्टर हो चुके हैं, इसीलिए हमने एक बैच शुरू कर दिया था, तो दूसरे बैच के लिए रेडी है, कर आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी दूसरे की नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दी हुई शायद, तो देख लो जिसने रजिस्टर करना है, जिसको समझ आ रही है ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं आ रही वो दोबारा प्रैक्टिस करो, और वहाँ से हम बिल्कुल 0 से टॉप तक जाएंगे, और वो जो रीजनिंग होगी वो 0 to CGL तक होगी, ठीक है जी, ठीक है। इसकी मात्र कास्ट वही है जो पुरानी है 999, लेकिन
जिन्होंने हमारा दो बैच लिए हुए हैं, मैथ का और जीएस का, उसके लिए मैनेजमेंट ने स्पेशल निकाला है कि उसको 50% टोटल ऑफ है, उसने मात्र 500 रुपये करना है, जिन्होंने पुराने स्टूडेंट हैं हमारे पेड में, न्यू वाले हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने में क्या आएगा भाई, 47 टॉपिक्स हैं, 47 टॉपिक, 2 से 4 महीने लगेंगे इसमें पूरे को, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम भी नवंबर दिसंबर से पहले होने वाला, चिंता नहीं करो, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, चलें क्वेश्चन देखें, टाइप थ्री में क्या होता है। ये हमारी टाइप थ्री, टाइप वन हो गया, टू हो गया, थ्री, टाइप थ्री करें, शुरू कर दिया। चलो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर देखते हैं। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। हमेशा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर वन मैं पढ़ाता हूँ, फुल लिखवाता हूँ वर्डिंग साथ, हिंदी इंग्लिश, उसके बाद देखते हैं अगला कार्यक्रम बिना पेन के विद इन सेकेंड में ट्रिक के साथ। अभी हम चलें, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then he turns 45 degree anti clockwise direction, and finally he turns 130 degree clockwise direction. Know in which direction he is facing. A person is facing north, first he turns 90 degree in clockwise direction. एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का आपको समझ नहीं आएगा ना, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना आपकी, ये वाली, ये इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त। Then he turns 45 degree anti-clockwise. घूमता है, तब वह 45 degree वामावर्त घूमता है, वामावर्त हो गया anti-clockwise. वामावर्त, ठीक है, डायरेक्शन घूम सॉरी वामावर्त घूमता है, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका किस दिशा में है, ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है, किस दिशा में, ठीक है। तो अब ये निकालना हमने, अब इसमें आपको आ गया होगा कि हाँ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट इसमें आ गया, 45 डिग्री 40। पहले हम देखते थे राइट लेफ्ट को लेके, अब हम देखेंगे डिग्रीज को लेके, ठीक है, डिग्री जो आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्शन आया, अब हमारे पास डिग्री विद रिस्पेक्ट टू डिग्री आ गया, अब डिग्री को लेके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लो और उसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व एक यूनिक ट्रिक के साथ, क्योंकि आपने पहले सिर्फ राइट लेफ्ट सीखा है, अभी हम डायरेक्शन और उसके डिग्री को देखेंगे, ठीक है, आप डिग्री वाइज देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है, क्लियर है। चलें
क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है उस पर्सन का फेस नॉर्थ में है। किस में है? कर सॉल्यूशंस की नॉर्थ में है। पहले वो 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर वो 45 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 135 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो बताओ भाई अभी वो कहाँ पे है? ये आपका मिलता जुलता किसमें है? फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में क्या होता था, आपको डिग्रीज की जगह रेफ्ट लाइट दिया था, आप डिग्री दे दिए, बस मेथड वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही है। कर दें शुरू? चलो इस हिसाब से निशा चलते हैं। ये नॉर्थ है हमारा, ठीक है जी, 90 डिग्री गया क्लॉकवाइज, ये पहुंच गए यहाँ पे। ये पोजीशन हमारी फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन ये पहुंच गया, दूसरी पोजीशन में पहुंच गया ईस्ट के ऊपर 90 डिग्री। अब वो 45 डिग्री, 45 डिग्री तीसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। ये इसका तीसरी टाइप, तीसरी पोजीशन 45 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, हो गया जी, यहाँ पहुंच गया हमारा। अब बोल रहा है अब 135 डिग्री वो घूम रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है? 135 डिग्री घूम रहा है किस दिशा में? क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री यहाँ से कहाँ होगा? ये कितना होगा? 90 और ये 45, साउथ। योर आंसर इज साउथ। देख लिया यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ पे आके उसका साउथ में डायरेक्शन आ गई। समझ आई? पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहुंचा, वहां से नॉर्थ सीधा ईस्ट पहुंच गया, ईस्ट से दोबारा वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पीछे गया, नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री आगे गया, तो सीधा वो साउथ पे पहुंच गया। ठीक है, अगर इसी को हम अपनी ट्रिक में करें, ये तो आपको समझ आ गया, सिंपल है, समझ आ गया ना? अगर हम इसी को ट्रिक को करें कि जो आगे हम बताते हैं आपको, इसको बिल्कुल सिंपल कैसे बनाना है, क्लॉकवाइज वाले को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस कर दो, जो भी क्लॉकवाइज वाले हैं उनको आपस में जमा कर दो, एंटी क्लॉकवाइज वाले को भी आपस में जमा कर दो, बाद में इसका अंतर निकाल दो। ठीक है, तो निकालो जी, करो जमा, कितने बैठे? 135 प्लस 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज वाले आ गए हमारे, क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास? 225। ठीक है, और इसमें निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज का कितना है? 45 डिग्री। कितना बना पीछे बचा? 180 डिग्री। ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो, अगर आपने कुछ नहीं करना, अगर फिगर नहीं बनानी तो आप ऐसे कर सकते हो, 180 डिग्री बचा पीछे। अभी कौन सी किससे बचा? क्लॉकवाइज से, तो क्लॉकवाइज और 180 डिग्री। देखो अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वेदर क्लॉकवाइज वेदर एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 180 का हमने सीखा है अपोजिट होता है हमेशा, ये आ गया 2L 2R। ठीक है जी, 2L 2R क्या हो गया? अपोजिट। तो 180 का हमने हमेशा सीखा है अपोजिट, तो 180 कहाँ से जाएंगे जी? कहाँ से 180 जाएंगे? यहाँ से, नॉर्थ से। तो इसका अपोजिट क्या है? साउथ। 90 ये और 90 ये, कितना हो गया? 180, साउथ पहुँच गए। यही निकला आंसर आपका, आंसर भी साउथ ही आया ना, कुछ और तो नहीं आया। समझ आई? आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वालों को आपस में ऐड कर लेना है, बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, जो बचेगा उसी डायरेक्शन से आगे चले जाना है, वो आपका आंसर होगा। होपफुली सबको समझ आई होगी, आई सबको आई है? चलो फिर अगर आई है तो चलें आगे, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बार समझ आ गया ना? चलो फिर चलें क्वेश्चन नंबर 2, वही पुराना फार्मूला, बिना पेन के नॉर्थ ईस्ट में है, 45 डिग्री
क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। निकालो जी आंसर। किस किस को आया समझ? पीछे वाला जो आया वो 5 मिनट में लड़के बच्चों आंसर निकालो, निकालोगे ना? निकालो निकालो, शाबाश, बताओ मुझे फिर किस किस को आता, किस किस को समझ आई है, किस किस को नहीं आई है। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था जी? क्लॉकवाइज वाले को और एंटी क्लॉकवाइज वाले को आपस में ऐड कर दो। तो क्लॉकवाइज वाला क्या क्या हमारे पास जी? 45 डिग्री और 135 डिग्री, यही है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है हमारे पास? 90 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ये भी 180 हो गया। क्या हुआ? करो जी 180 को माइनस 180 से क्लॉकवाइज दोनों को, क्या बचा? जीरो। जीरो मीन्स, जीरो मीन्स सेम, कहाँ पे पोजीशन? नॉर्थ ईस्ट, सेम रहेगी। ठीक है, इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स 180, सॉरी 180 नहीं आएगा इसमें, 180 अगर 180 से करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। ये फोर वाला हो गया, सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो हम पढ़ते थे फोर में, क्या फोर राइट फोर लेफ्ट, वो वाला सेम डायरेक्शन। इसमें एक चीज और कर सकते हैं आपको मैं सिंपली बोलूं, ये देखो जैसे हम वहां राइट लेफ्ट काटते यहां कर सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे कोई कटने वाला नहीं है, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, यहां कटने वाला नहीं है। अगर वो सेम आएगा किसी पोजीशन पे तो आगे वाले क्वेश्चन में बताता हूं आपको कि इसमें हम काट सकते हैं नहीं काट सकते, और मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, पोजीशन उसकी ईस्ट की तरफ है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है इसका, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से हम बच्चे निकाल सकते हैं, इनको काट भी सकते हैं आपस में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या है हमारा। ठीक है, अभी हम इनको काट नहीं सकते, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हैं और इसको हम माइनस कर देंगे। तो 90 में से माइनस किए 45 और 45 बचे हमारे पास। आंसर क्या आया? 45, ये आंसर आया ना। तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शो करने के लिए आपको। तो चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो देखो अब नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तो हमने कहाँ पोजीशन इसकी, इसकी पोजीशन थी किसमें? ईस्ट में। अब ईस्ट से हम आएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना बचा, कहाँ आया? साउथ ईस्ट, एंड योर आंसर इज साउथ ईस्ट। समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ गई है यार, नहीं समझ इसको आई, मैं क्लियर कर देता हूँ। 90 डिग्री 45 डिग्री, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया क्लॉकवाइज।
तो 45 डिग्री बचा, तो यहाँ से 45 डिग्री चलेंगे तो साउथ ईस्ट बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 45 डिग्री बचा वो बचा किसमें, किसने बचा? ठीक है, अब उल्टा चलना है हमेशा। चलो देखते हैं। चलो जी, हो गया। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि हमने जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया था ना, तो यहाँ से इसको भी काट सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये वाला कंसेप्ट नहीं आता, एक फिगर मेरे छूट गई थी, तो यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही सिंपल बचेगा। ठीक है, ओके क्लियर है, इसको भूल जाओ। 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉक कट गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया, पीछे बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो साउथ ईस्ट में पहुँच गए, ईस्ट से उसने ईस्ट से शुरू किया और हम ईस्ट से साउथ ईस्ट में पहुँच गए। क्लियर है, क्लियर है, चलें आगे। यार बोलो ना जोर से, चलें आगे। कहाँ चलना है भाई, 3 क्वेश्चन करवा दिए बिना पेन के, अब आपकी बारी है। ठीक है, अब आपकी बारी है, किसकी? होमवर्क की। ठीक है जी, करोगे तो अगला लेक्चर लाएंगे, अदरवाइज रहने दो, चॉइस आपकी, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। वेस्ट से शुरू किया, नब्बे डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो चला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर चला 45 डिग्री द्वारा क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चला वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो चला 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो निकालो आंसर भैया, दो कमेंट सेक्शन में आंसर। ए योर क्वेश्चन इज 4 नंबर, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दो आंसर जी, निकालो आंसर, दो आंसर, दो दो आंसर भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी। और इसी के साथ आज हम आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, और क्या चाहते हैं हम आपसे, सैलरी थोड़ी दोगे आप अपनी पोस्ट पे बैठ के हमें, तो यही तो चाहिए हमें आपसे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दो, किसी और के पास भी पहुंच जाएगा, और थैंक यू, और इतना बोरिंग लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए, पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को, पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं, नामचा बरवा कंचनजुंगा मकालू मनसालू डोला गिरी हन्ना पूर्णिमा बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूरनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली हार्सले वैली लंबा सिंह अनिंथा गिरी तिरुमल्ला पालगोंडा वालगोंडा श्री सलीम आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्टीज, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। ऐसी तरह इसी तरह से चीजों को
दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे Aspire Adda YouTube चैनल को और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप Aspire Adda के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.